हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकाश, और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल डिफरेंस बिटवीन पर। तो हमारे इस पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन यूवी ए एंड यूवी बी रेज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोशंस और सनस्क्रीन पर लिखा होता है इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी ए एंड यूवी बी रेज, और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सोचा भी होगा आखिर इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है। तो चलिए पता करते हैं। सबसे पहली बात, यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेंट रेज। तो जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल लाइट से काफ़ी कम होती है, इस वजह से हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाते और ये सन से अर्थ की तरफ आती है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं यूवी रेज ए के बारे में। तो यूवी रेज ए जिनकी वेवलेंथ होती है 320 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बी। इस वजह से ये हमारे स्किन की काफ़ी गहराई तक जाकर हमारे सेल्स को काफ़ी आसानी से डैमेज करती हैं, जो कि रीज़न बन जाती है काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि स्किन टैन, सनबर्न और रिंकल्स के। और ये इतनी पावरफुल होती है कि इन्हें हमारा एटमॉस्फेयर या हमारा ओजोन लेयर भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और ये क्लाउड्स और विंडोज से काफ़ी आसानी से पेनिट्रेट या प्रवेश कर जाती हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप जो कि है यूवी बी रेज के बारे में। यूवी बी रेज जिनकी वेवलेंथ होती है 290 नैनोमीटर्स टू 320 नैनोमीटर्स, जो कि कम है, इस वजह से ये विंडोज़ और क्लाउड से आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, और इनका काफ़ी सारा पोर्शन तो हमारा ओजोन लेयर और हमारा एटमोसफियर ही एब्जॉर्ब कर जाता है। पर ये इतनी खतरनाक ज़रूर होती है कि हमारे डीएनए को डायरेक्टली डैमेज कर जाती है, जो कि रीज़न बन जाता है स्किन कैंसर का। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो जितनी भी सनलाइट हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है उसमें से 95% यूवी ए होती है और सिर्फ 5% होती है यूवी बी रेज। इन दोनों के अलावा एक और अल्ट्रा वायलेंट रे भी प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है अल्ट्रा वायलेंट सी, पर ये हमारे अर्थ के सरफेस तक कभी पहुँच ही नहीं पाती क्योंकि इसे हमारा एटमॉस्फेयर या हमारा ओजोन लेयर ही पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लेता है।